हेलो, मैं संगीता सिंह। आज मैं आपको साधारण बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में बताऊंगी, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसके आविष्कारक प्लेट कैरी के नाम पर इसे प्लेट कैरी प्रक्षेप भी कहते हैं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं समान अंतर पर होने के कारण इसे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। इसका प्रयोग भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के मानचित्र बनाने में होता है। एक साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसका आरएफ एक संबंधे 25 करोण तथा प्रक्षेपांतर 30 अंश है। आर बराबर प्रक्षेप का आरएफ बटे ग्लोब का आरएफ। आर बराबर एक संबंधे 25 करोण बटे एक संबंधे 25 करोण, तो ये 1 इंच होगा। आर बराबर 1 इंच। अब एसी भूमध्य रेखा ए और सी भूमध्य रेखा एसी बराबर 2πr बराबर 2π का मान हुआ 22/7 गुणे आर त्रिज्या हुआ 1 इंच। अभी आया 6.3 इंच। तो अब जो है हम छः दशमलव तीन इंच यहां से हम ये दूरी लेंगे और यहाँ हम अपने प्रकार में 1 इंच ये दूरी भर करके ये ग्लोब बना लेते हैं। फिर इस पर हम देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखा डाल देंगे और इसी अक्षांश रेखा से हम आगे ये ए और सी भूमध्य रेखा के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम यहां 30 अंश से हम एक चाप ले लिए ये, फिर ये है 360 अंश बटा 30 हमारा प्रक्षेपांतर है, तो हम इसमें भाग दिए तो ये 12 भाग आया। तो अब जो है हम यही दूरी ये डिवाइडर से, अब इधर हम इस तरह से ये स्पर्श रेखा के सहारे हम इसको नाप लेंगे ये, फिर ये इस तरह से हम इस पर नाप लेते हैं और फिर ये जो है अब हम आगे बढ़ा देंगे इसको। इस तरह से लाइन हम बना लेंगे और फिर इस तरह से हम इधर भी ये काटेंगे
ये 12 भाग, फिर इस तरह से हम इस पर लाइन कर लेंगे, ये सभी का ये देशांतर लाइन को हम बना लेंगे सब इसके समानांतर। अब जो है हम, और ये जो हमने बनाया और सभी का हम मान लिख देते हैं। अब यहाँ 180 अंश ये हमने लिखा है, फिर 150, फिर 120 और फिर 90, 60, 30 और ये 0। फिर जितना अब इधर हम आए हैं, अब इतना इधर भी हमको लेना है 30, फिर 60, 90, ये 120, 150, फिर 180, ऐसे हम फिर यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। ये 0 हो गया और ये 15, 30, 60, 90, तो ये नॉर्थ, ये साउथ दिखाएगा। यहाँ आप ईस्ट और इधर वेस्ट आप लिख लेंगे। ये मैं गणितीय विधि आपको बता रही हूँ। ये 25 करोड़ इंच है और सेंटीमीटर जब इस करना रहेगा तो ये 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर होगा ये। अब इसी तरह से हम इसका यहाँ पर ये 1 इंच हमने निकाल लिया इसका स्केल। अब जो है हम इस पर 1 इंच अर्धव्यास भर करके इसको ये वृत्त को बना लेते हैं, फिर AC बराबर 2πr बराबर 2×22/7 × 1 इंच, तो अब ये आया फिर 6.3 इंच। तो ये जो है अभी इससे स्पर्श करती हुई एक रेखा बनाएंगे और यहाँ से हम ये जो भूमध्य रेखा हम बनाएंगे, अब इसी से हम आगे बढ़ करके 6.3 इंच ये स्केल लेंगे। फिर अगर आपको इसको सेंटीमीटर में करना होगा तो आप इस तरह से इसका सेंटीमीटर निकाल लेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में आपको दिया जाए तो आप इसको इस तरह से लगाएंगे, ये एक संबंध है 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर और ये जो है यहाँ आंसर इसका आएगा 15.96 सेंटीमीटर। तो अब ये जो है दूरी 15.96 सेंटीमीटर हम लेंगे और फिर हम उसका जो है भाग बनाएंगे। यहाँ है अक्षांश अंतराल बराबर देशांतर अंतराल बराबर 2πr×θ/360 बराबर 2×22/7×1 इंच × 30 अंश हमारा जो है प्रक्षेपांतर है, बटे 360 अंश ये देशांतर होगा 360। अब यहाँ हम यहाँ आंसर आया 0.52। तो अब स्केल में हम ये दूरी लेंगे 0.52 इंच। तो अब जो है हम इसको ये लाइन बना लेंगे,
इस तरह से हम ये लाइन बना लेंगे। थोड़ा हमको इस लाइट में देखने में काफ़ी दिक्कत महसूस होता है। इस तरह से हम इसको लाइन को बना लेते हैं। ये अब यहाँ भी हम इस पर लाइनिंग कर कर के इसको बना लेंगे और भूमध्य रेखा के समानांतर जो है ये दूरी भी उतना ही होना चाहिए। इस तरह से हम इस तरह से ये हम लाइन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।